तो इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 16 यानी कि आईपीएल 2023 को लेकर काफी बड़ी अपडेट्स आ रही है, जहां आईपीएल के सभी 10 टीमों से टोटल 30 बड़े बड़े खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से रिलीज यानी कि बाहर हो चुके हैं, जबकि 4 बड़े खिलाड़ियों को ट्रेड हो चुका है, एक टीम से दूसरी टीम में जा चुके हैं आईपीएल 2023 के ऑक्शन से पहले ही, जबकि कई सारे खिलाड़ियों की रिटर्न होने के भी कंफर्म अपडेट्स आ रही है। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले। तो बात करते हैं ट्रेडिंग विंडो के बारे में। तो आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन से पहले ट्रेडिंग विंडो ओपन है, जिसमें अब तक टोटल 4 बड़े ट्रेड हो चुके हैं। लेटेस्ट ट्रेड हुई है शार्दुल ठाकुर को लेकर, जहां लास्ट ईयर शार्दुल ठाकुर दिल्ली कैपिटल्स की टीम में शामिल थे, लेकिन अब आईपीएल 2023 के लिए शार्दुल ठाकुर कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का ट्रेड हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स से कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में, और केकेआर की टीम में ऑफिशियल तौर पर शार्दुल ठाकुर शामिल हो चुके हैं ट्रेड के जरिए। जहां इससे पहले रहमानुल्लाह गुरबाज और लुकी फर्ग्यूसन, ये दो खिलाड़ी गुजरात टाइटंस की टीम से ट्रेड होकर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में शामिल हो गए थे, तो वहीं जेसन बैरन ड्रॉफ जो आरसीबी की टीम में शामिल थे लास्ट ईयर, वो मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो चुके हैं ट्रेड के जरिए। तो चलिए बात करते हैं रिलीज होने वाले सभी खिलाड़ियों के बारे में। तो अब तक आईपीएल 2023 के लिए ये सभी खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से रिलीज हो चुके हैं यानी कि बाहर हो चुके हैं। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने डेविड विली, सिद्धार्थ कोल और जेसन बैरन ड्रॉफ को रिलीज कर दिया है, अपनी टीम से बाहर कर दिया है, जहां जेसन बैरन ड्रॉफ का ट्रेड होकर वो मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल हो चुके हैं ऑक्शन से पहले ही। तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्रिस जॉर्डन को रिलीज करने जा रही है मिनी ऑक्शन से पहले। तो वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जेसन होल्डर, मनीष पांडे, अंकित राजपूत और इंद्रित्वाय, इन सभी खिलाड़ी को रिलीज करने जा रही है। तो वहीं सैम बिलिंग्स, शिवम मावी, पैट कमिंस, चमिका करुणा रत्ने को रिलीज करने जा रही है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जहां सैम बिलिंग्स को लेकर अपडेट्स ये है कि सैम बिलिंग्स आईपीएल 2023 में भी नहीं खेलेंगे, उन्होंने आईपीएल 2023 से अपना नाम वापस ले लिया है। इसके अलावा पंजाब किंग्स की टीम ओडेन स्मिथ, शाहरुख खान, बिनी होवेल और अंश पटेल को रिलीज करने जा रही है, जबकि मुंबई इंडियंस की टीम फैबियन आलिन, टाइमल मिल्स और मैंक मार्केंडे को भी रिलीज करने जा रही है। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम रोमारियो सेफर्ड, जगदीशा सुचित, कार्तिक त्यागी, सीन आबोट और शशांक सिंह, इन सभी खिलाड़ी को रिलीज करने जा रही है। तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम शार्दुल ठाकुर को रिलीज कर चुकी है, जिनका ट्रेड भी हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ, जबकि टीम साइफर्ट और केएस भरत को रिलीज करने जा रही है। तो वहीं गुजरात टाइटंस की टीम विजय शंकर को रिलीज करने जा रही है, जबकि लोकी फर्ग्यूसन और हेमिनुल्ला गुरबास का पहले ही ट्रेड हो चुका है कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के साथ। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ये 30 बड़े खिलाड़ी अपने अपने टीम से रिलीज यानी कि बाहर हो चुके हैं, जबकि रिपोर्ट्स ये भी है कि मैथ्यू वेड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन विकेटकीपर बैट्समैन है, लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस की टीम में शामिल थे। रिपोर्ट्स ऐसी है कि गुजरात टाइटंस की टीम इन्हें रिटेन करने जा रही है आईपीएल 2023 के लिए। तो वहीं रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही थी कि सुनील नारायण को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अपनी टीम से रिलीज करने जा रही है आईपीएल 2023 के लिए, लेकिन आपको बता दें कि सुनील नारायण को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने रिटेन कर लिया है आईपीएल 2023 के लिए। सुनील नारायण एक बार फिर से केकेआर की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं अब्दुल समद को लेकर भी कई सारी रिपोर्ट्स आ रही थी लगातार कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब्दुल समद को इस बार अपने टीम से रिलीज करने जा रही है, लेकिन रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने डिसाइड किया है अब्दुल समद को दोबारा अपने टीम में शामिल करने का यानी कि रिटर्न करने का फैसला लिया है। तो ये सभी बड़ी अपडेट्स आई अब तक आईपीएल 2023 को लेकर। आपको बता दें कि ये सिर्फ रिपोर्ट्स है। आपको बता दें कि आईपीएल 2023 का ऑक्शन 23 दिसंबर 2022 को होने वाला है, लेकिन उससे पहले 15 नवंबर 2022 तक आईपीएल के सभी 10 फ्रेंचाइजियों को, सभी 10 टीमों को अपना अपना रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट 20 जुलाई को सौंपनी होगी। डेडलाइन 15 नवंबर है, यानी कि कल 15 नवंबर को आईपीएल के सभी 10 टीमों की रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट आ जाएगी। तो जैसे ही ऑफिशियल तौर पर अनाउंस होगा, आपको सबसे पहले इसी चैनल क्रिकेट सुपर फैंस पर सभी खिलाड़ियों की लिस्ट दे दी जाएगी कि आखिर कौन कौन से खिलाड़ी रिटेन हुए हैं और कौन कौन से खिलाड़ी अपनी अपनी टीम से बाहर हुए हैं यानी कि रिलीज हुए हैं।